क्या आप जानते हैं कि 1985 में एक ऐसा टाइम भी आया जब दुनिया तकरीबन खत्म होने वाली थी, शायद इंसानियत आज ये सब देखने के लिए जिंदा ना होती। The end of the world, we're being told, is now closer than ever. Some argue the timeline will end suddenly. Threats that seem apocalyptic to us. We move closer to the end of the timeline. Some biblical experts contend that the seals have already begun to break. It could be the end of the world as you know it. ये किसी fictional movie का scene नहीं, जहाँ पे कोई virus या किसी alien attack से दुनिया तबाह होने वाली होती है और कोई super hero आके इसको बचा लेता है। ये एक रियलिटी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 1985 में जब कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंटार्क्टिका में, उस वक्त उनको पता चला कि एक ओजोन होल हमारी ओजोन लेयर में बन चुका है और 40% तक हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर चुका है। लेकिन उस वक्त के सुपर हीरो यानी कि 198 कंट्रीज ने मिल के इसको हल किया और आज दुनिया उस वक्त से भी बेहतर जगह है रहने के लिए। तो ऐसा क्या था कि दुनिया इस स्पीड से अपने एंड की तरफ बढ़ रही थी? क्यों ओजोन लेयर 40% तक 1985 में ही डैमेज हो चुकी थी? और क्या किया ऐसा साइंटिस्ट ने और 198 कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस के कहने पे कि दुनिया आज पहले से बेहतर जगह है रहने के लिए? तो जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे दुनिया खत्म होते होते बची। ओजोन लेयर हमारी इस अर्थ का एक सुपर हीरो है, लेकिन जैसे किसी मूवी में सुपर हीरो को भी कभी ना कभी इंसानों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही ओजोन लेयर को भी इंसानों की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है इस स्टोरी में आगे आप इतने खो जाएं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाएं और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें और ऑल पे क्लिक किया करें ताकि जितनी भी वीडियोस फ्यूचर में रिलीज हों वो आपको मिलती जाए। ओजोन एक्चुअली एक गैस है ऑक्सीजन की ही तरह। इसका फॉर्मूला होता है O3 और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। यहाँ एक बड़ा ही सिंपल केमिकल रिएक्शन आता है, ओजोन यानी के O3, ऑक्सीजन यानी के O2। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती हैं तो इसके O2 यानी के दो अलग अलग एटम्स ऑक्सीजन के जो मिलके O2 बना रहे हैं इनको दोबारा से अलग कर देती है और ये एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और दोबारा से एक और रिएक्शन होता है और जब ये दोबारा मिलते हैं तो ये O3 यानी के तीन एटम्स मिलके O3 बना देते हैं। अब यहाँ एक बराबर चलता रहने वाला साइकिल है, ये दो रिएक्शंस का एक ही साइकिल है जो बार बार चलता रहता है और इस पूरी साइकिल को हम कहते हैं चैपमैन साइकिल, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। ओजोन लेयर का मेन काम हमें हार्मफुल धूप यानी रेडिएशन से बचाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओजोन का काम तो है हमें यूवी रेज से बचाना, तो फिर हम सन ब्लॉक क्यों यूज करते हैं? इसके पीछे लॉजिक बहुत दिलचस्प है। एक्चुअल में सूरज की तरफ से लगभग हर तरह की रेज एमिट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सभी टाइप्स की रेज, वो चाहे विजिबल लाइट हो जो 380 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच हो, या यूवी रेज, गामा रेज या एक्स रेज हो, ये तीनों तरह की रेज हार्मफुल कैटेगरी में आती हैं क्योंकि ये आयोनाइजिंग होती हैं और ज्यादा देर तक इनके सामने एक्सपोज रहना खतरनाक हो सकता है। ये हमारे जिस्म में अंदर जाके हमारे DNA को चेंज भी कर सकती है। जब हम ओजोन लेयर की कमजोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तब UVC रेडिएशन अर्थ तक पहुंच सकती है, साथ ही साथ दूसरी नुकसानदेह रेज भी। मार्च 1839 स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल में एक साइंटिस्ट क्रिश्चियन श्वेजर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की एक्सपेरिमेंट में बिजी थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में इन्हें एक अजीब सी स्मेल महसूस हुई, ये स्मेल एक गैस की थी और जब इन्होंने इस गैस को अलग किया तो उन्होंने इसे ओजोन नाम दिया। ओजोन वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड ओजीन से आया है जिसका मतलब है स्मेल या खुशबू। 26 साल बाद 1865 में ये पता चला कि ओजोन मॉलिक्यूल तीन ऑक्सीजन एटम से बना होता है और चैपमैन साइकिल सामने आया और बाद में साइंटिस्ट ने भी पता लगाया कि ओजोन हार्मफुल रेडिएशन को ब्लॉक करता है। एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर हमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से बचा रहा है, लेकिन इंसानों के करीब आने पर नुकसानदेह हो सकता है। अगर हम इसकी स्मेल की तरफ देखें तो ये
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से निकलने वाली स्पार्क्स की जो स्मेल होती है या थंडर स्टॉर्म के दौरान जो मिट्टी की खुशबू होती है ये उसकी तरह होती है। किसी को ये मीठी और ताजा लगती है जबकि दूसरे इसे मेटेलिक या ब्लीच की तरह महसूस करते हैं। 1921 में ब्रिटिश जियोफिजिसिस्ट GMB डॉब्सन ने एक मशीन बनाई जिससे एटमॉस्फेयर में ओजोन की क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता था। इस मशीन का नाम भी डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रखा गया। आज भी ये मशीन हमारी जमीन पर रहते हुए एटमॉस्फेयर में ओजोन को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड है। असल में ओजोन की कंसंट्रेशन डॉब्सन यूनिट्स में मेजर होती है तो यूनिट भी उन्हीं के नाम पर रखे गए यानी कि डॉब्सन यूनिट्स। ओजोन लेयर की जो नॉर्मल मोटाई होती है वो 3 to 5 mm यानी कि मिलीमीटर होती है जो कि 300 से लेके 500 डॉब्सन यूनिट्स होती है। जो ओजोन हमारी अर्थ के अंदर यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में इंसानों के पास मौजूद होती है ये नुकसानदायक होती है इसलिए इसे बैड ओजोन कहते हैं। इसका पता तब चला जब एक साइंटिस्ट शॉनबाइन ओजोन के साथ काम कर रहे थे तो उन्हें चेस्ट में पेन महसूस हुई, सांस लेने में मुश्किल हुई। उन्होंने ये भी देखा कि ओजोन के माहौल में छोटे जानवर मर जाते हैं। आजकल फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से बैड ओजोन बढ़ रही है, खासकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब वो कोल जलाने या कार के एग्जॉस्ट से निकलती है तो वो ये रीजन बनती है सरफेस लेवल पर ओजोन की। गर्मी के महीनों में इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है ज्यादा यूवी रेडिएशन और ज्यादा गर्मी की वजह से। दूसरी तरफ जब बारिश होती है और ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो कम ओजोन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसलिए ओजोन को हवा की पोल्यूशन भी समझा जा सकता है। अब यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये अच्छी बात है कि अगर जमीन पे ओजोन बन रही है तो क्या ये ऊपर ओजोन लेयर को रिपेयर करने में या उसको बढ़ाने में मदद नहीं कर सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं है। पहली वजह यह है कि ये ओजोन ऊपर नहीं जाती और दूसरी वजह यह है सरफेस पर जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए हार्मफुल है वो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर बनाने के लिए बहुत कम होती है। अब सवाल ये उठता है कि इंसानों की वजह से इतना ओजोन बन रहा है तो फिर ओजोन होल कैसे बना। ये 1950s से लेके 1960s में शुरू हुआ। एंटार्क्टिका में कई रिसर्च स्टेशन थे, कुछ रिसर्च स्टेशन ओजोन को मॉनिटर कर रहे थे, खासकर अमेरिकन स्टेशन था जो 1961 में सेट किया गया था जिसमें एक डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी इंस्टॉल था। और अगस्त 1964 में पहली बार सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था ओजोन कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए। ये नासा की निम्बस प्रोग्राम की वेदर सैटेलाइट थी। 1970s में नासा को फिक्र थी कि वो स्पेसक्राफ्ट जो चांद पे जाने वाले हैं वो ओजोन लेयर को डैमेज कर देंगे, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ और चीजें जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल हो रही हैं, ये ज्यादा खतरनाक है ओजोन लेयर के लिए। जैसे हेयर स्प्रे बोतल में मौजूद एक केमिकल, शेविंग क्रीम के कैन में मौजूद केमिकल या फ्रिज के सॉल्वेंट की शेप में इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल। इस केमिकल कैटेगरी को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs भी कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने उस वक्त वार्न किया के CFCs की वजह से 40 से 150 साल में ओजोन लेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग उस टाइम इसे बकवास कह रहे हैं। CFCs का एक फायदा तो ये है कि ये जमीन पर तो बहुत स्टेबल रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब ये एटमॉस्फेयर में जाता है तो सूरज की रेज से टकरा कर ये एटमॉस्फेयर में क्लोरीन छोड़ देता है। एक क्लोरीन एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता था। बाद में कुछ साइंटिस्ट ने साइंटिफिक सच्चाई को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें पता चला कि ये सच में नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ने फिर भी एस्टिमेट किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो CFCs की वजह से 2099 तक ओजोन लेयर सिर्फ 2-4% ही खत्म होगा। ये साइंटिस्ट की थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन थी, इसलिए लोगों ने ज्यादा नोटिस ही नहीं किया। फिर हम जोसेफ फॉरमैन की तरफ आ जाते हैं। अक्टूबर 1982 में एंटार्क्टिका में एक रिसर्च स्टेशन में स्नोस्टॉर्म्स के बीच साइंटिस्ट जोसेफ फॉरमैन कुछ मेजरमेंट्स ले रहे थे। उन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक ओजोन की क्वांटिटी को एक मशीन से मेजर किया। इत्तफाकन मशीन ने एक बिल्कुल ही अजीब रीडिंग दी। मशीन के मुताबिक ओजोन की क्वांटिटी नॉर्मल के मुताबिक 40% कम हो चुकी है। उन्होंने अजीब नंबर देखा और सोचा ओजोन लेवल 40% क्यों गिर गया है, शायद मशीन में कोई गड़बड़ है, शायद मशीन ठीक नहीं है या ये बहुत पुरानी हो चुकी। और सोचा कि अगर ओजोन लेवल इतना ही कम हो गया है तो नासा की हजारों सैटेलाइट्स जो स्पेस में ऑलरेडी मौजूद ये सब कुछ मॉनिटर कर रही हैं, उन्होंने ये अभी तक नोटिस क्यों नहीं किया। जून 1974 में एक तीसरे साइंटिस्ट ने एक पेपर पब्लिश किया
जिसको बाद में नोबल प्राइज भी मिला। इस पेपर के मुताबिक, इस साइंटिस्ट के मुताबिक, जो जितनी भी ओजोन इफेक्ट हो रही है ये CFCs की वजह से हो रही है। अगर ये सच है तो फिर ये कितनी डेंजरस सिचुएशन है। नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 1983 में जोसेफ वापस गए। इस बार उन्होंने एक नई मशीन के साथ मेजरमेंट्स की। इस बार जो रीडिंग्स उन्हें मिली ये पिछले साल से और भी कम हो चुकी, यानी कि ओजोन लेयर पहले से भी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक साल बाद अक्टूबर 1984 में जब वो दोबारा काम करने गए, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ और रिसर्च स्टेशन से रीडिंग लेंगे। उन्होंने पहले से मौजूद रिसर्च स्टेशन से तकरीबन 1000 मील दूर एक और स्टेशन बनाया और यहाँ से रीडिंग्स ली। और अब उन्होंने देखा कि ओजोन लेयर पिछले कुछ सालों के मुकाबले पहले से भी कम हो। वो इस सबूत को लेकर नासा के पास गए और फिर दुनिया को एंटार्क्टिका के ऊपर मौजूद ओजोन होल के बारे में पता चला। हैरत की बात ये थी कि ओजोन होल हर साल तेजी से बढ़ रहा था और नासा के साइंटिस्ट ने अभी तक इसे इग्नोर कर रखा। ये रीडिंग्स अनबिलीवेबल थी क्योंकि साइंटिस्ट ने ये अज्यूम किया था कि सिर्फ 2-3% ओजोन लेयर खत्म होगा। साइंटिस्ट की सारी थ्योरी गलत। हकीकत में सिचुएशन बहुत खतरनाक हो चुकी थी। अगर ओजोन का लेवल इतना गिर गया है तो धूप इतनी कंफर्टेबल क्यों है? ये इतना नुकसान क्यों नहीं दे रही? और अगर ये सही है तो हजारों नासा सैटेलाइट जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, इस अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उन्होंने इस बात को नोटिस क्यों नहीं किया? और इस फेनोमेना को हम ओजोन होल कहते हैं। ओजोन होल ओजोन लेयर का वो हिस्सा है जो थिकनेस में प्रॉपर ओजोन लेयर से 1/3 कम हो गया। 1977 में इसकी रीडिंग 250 DU यानी कि डॉप्सन यूनिट थी और 1984 में कुछ ही सालों बाद ये रीडिंग 160 डॉप्सन यूनिट मेजर की गई। ये वाजे था कि फौरन कोई एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन साइंटिस्ट को एक सवाल में फिर भी परेशानी थी कि एंटार्क्टिका के ऊपर ही क्यों ओजोन होल बन रहा था। इसके पीछे का मेन रीजन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बताया गया। ये एक ऐसे किस्म का क्लाउड है जो सिर्फ एंटार्क्टिका के ऊपर ही देखा जा सकता है। ये क्लाउड्स -78 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही बनते हैं, लेकिन ऐसे ठंडे मौसम भी एंटार्क्टिका में इतने कॉमन नहीं होते, इसलिए यहाँ ओजोन लेयर की कमजोरी सबसे ज्यादा दिखाई देती है। ये फाइंडिंग्स हुई 1985 में। इस फाइंडिंग के बाद 1986 में यूनाइटेड नेशंस ने इस पर गुफ्तगू करना शुरू की। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में CFCs पर पाबंदी लगा दी और पाबंदी लगाने के लिए एक ट्रीटी तैयार करना शुरू की। 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया जो 1989 में लागू हुआ। हैरत की बात यह है कि ये पहली ऐसी ट्रीटी बन गई जो पूरी दुनिया ने साइन की। यूनाइटेड नेशंस के 198 मेंबर्स ने इस ट्रीटी को रेक्टिफाई किया। इसके नतीजे में CFCs को HFCs यानी के हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से बदल दिया गया जो ओजोन लेयर पर कोई असर नहीं डालता। 1980s में ग्लोबल CFCs यूज 8 लाख मेट्रिक टन था। 2014 में ये सिर्फ 156 मेट्रिक टन रह गया था। 99% CFCs को सभी मुल्कों ने मिलके खत्म किया, जिसके नतीजे में आज ओजोन होल छोटा हो रहा है। जनवरी 2023 में रिलीज हुई यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 40 सालों में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और ओजोन होल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये प्रोजेक्शन की है कि 2040 तक ओजोन लेयर 1980 के लेवल पर वापस पहुंच जाएगी। और 2016 में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या HFCs को कंट्रोल करने वाले सब्सटेंसेस में शामिल कर लिया गया। अगले 30 सालों में गवर्नमेंट HFCs को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि HFCs ग्रीन हाउस गैसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा हीट ट्रैप कर सकते हैं। फिर भी इनका ओजोन होल पर कोई असर नहीं होता, लेकिन इनका असर क्लाइमेट चेंज में देखा गया है। अब जब आपने ये साइंटिफिक मेथड सारा समझ लिया तो आप ये समझ गए होंगे कि ओजोन लेयर में जो ओजोन होल है ये कोई होल नहीं है, ये एक महफूज तरीका है ये कहने का कि ओजोन लेयर बहुत पतली हो गई है। इस वक्त दुनिया जिस मुश्किल का शिकार है, जो चीज़ दुनिया को तबाही की तरफ बढ़ा रही है, वो है क्लाइमेट चेंज। और इसके लिए एक बार फिर से दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स और तमाम मुल्कों और तमाम इंसानों को मिलके सोचना पड़ेगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। अभी मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।